नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक करी की रेसिपी। इसके लिए मैंने एक बड़ा प्याज काट लिया है, दो टमाटर, 6-7 लहसुन की कलियाँ और आधा इंच अदरक। हम प्याज, लहसुन और अदरक का एक पेस्ट बनाएंगे। मसाले के लिए मैंने एक कटोरी में थोड़ा सा पानी ले लिया है, जिसमें हम आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच हल्दी डालेंगे। इसका हम एक घोल तैयार कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। पहले मैं तेल में डालूंगी जीरा, जीरा डालने के बाद मैंने लिया है एक तेज पत्ता, 4-5 काले मिर्च, छोटी सी दालचीनी, 4 लौंग और एक छोटी सी बड़ी इलायची। अब हम डालेंगे इसको तेल में। इसके बाद डालेंगे कटे हुए प्याज, इसे फ्राई करेंगे। प्याज फ्राई हो रहे हैं तब तक हम इसी में स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसे गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। देखिए प्याज पिंक हो चुके हैं। अब इसी स्टेज पे हम डालेंगे जो हमने लाल मिर्च पाउडर और हल्दी का पेस्ट बनाया था। इसे 1 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे और अब इसमें हम डालेंगे प्योरी जो हमने टमाटर, लहसुन और अदरक की बनाई थी। और अब इसे हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता है। देखिए ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है, हम इसे 2-3 मिनट और पकाएंगे। देखिए ऑयल पूरी तरीके से सेपरेट हो चुका है। इसी से पता चलता है कि जो हमारे मसाले हैं वो पूरी तरीके से पक चुके हैं, कच्चे नहीं हैं। अब इसमें हम एग ऐड करेंगे। अंडों को मैंने फ्राई नहीं किया है, मैं इस तरीके से 3 कट देके इसमें ग्रेवी में ऐड करूंगी। देखिए इस तरीके से, ताकि इसमें ग्रेवी घुस जाए। अंडे हमने ऐड कर दिए हैं, अब इसे हम हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि अंडे भी इसके साथ फ्राई हो जाएं और मसाले इसके अंदर समा जाएं। आप इसको चलाते रहें ताकि ये ना हो कि कहीं ग्रेवी जल जाए, मसाले जल जाएं। अब इसमें हम कसूरी मेथी ऐड करेंगे। इस तरीके से मैंने हथेलियों पर रख लिया है और अब इसे रब करके धीरे धीरे हम इसमें ऐड करेंगे। देखिए इस तरीके से, अब इसे बस हम फ्राई करेंगे। मसाला हमारा कम्प्लीटली फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे गरम पानी। गरम पानी डालने से जल्दी उबाल आ जाता है और हमारी ग्रेवी भी कच्ची नहीं रहती है। आप अपने अकॉर्डिंग पानी ऐड करें जिस हिसाब से आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। और पानी डालने के बाद हम इसे 5 मिनट ढककर पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। अब इसमें हम ऐड करेंगे धनिया पत्ता। और अब ये पक चुकी है, अब इसे हम बंद कर देंगे। फ्लेम ऑफ करके हम इसे 5 से 10 मिनट का स्टैंडिंग टाइम देंगे, फिर इसे हम सर्व करेंगे।
देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी हुई है, बिल्कुल भी प्याज टमाटर जो है वो सेपरेट नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट बना के डाला था। इस तरीके से आप अंडा करी एक बार ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।